इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी तीन बड़ी खबरें। पहली खबर है जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सरकार भी लगातार इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि इस एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बनाया जाए। इसी को देखते हुए सरकार यहां विकास कार्यों को गति दे रही है। अब खबर सामने आई है कि सरकार नोएडा एयरपोर्ट को रेल लाइन से जोड़ने का प्लान भी बना रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में बुलंदशहर और पलवल का भी जिक्र है। दरअसल सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और हरियाणा के पलवल के बीच लाइन बिछाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इन दोनों स्टेशनों के बीच में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ की कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। अगर ये परियोजना सिरे चढ़ती है तो इससे कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी के नोएडा में बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। सरकार जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा करना चाहती है ताकि जल्द इसे फंक्शनल किया जा सके। 2023 के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले 6 महीने तक यहां पर ट्रायल रन होंगे। दूसरी बड़ी खबर है रोजगार से जुड़ी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बसने वालों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा एयरपोर्ट के पास बसने वाले लोगों को अब नौकरी के लिए दूर नहीं भागना पड़ेगा। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 6 इंडस्ट्रियल सेक्टरों में 1525 इंडस्ट्रीज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इनमें करीब 2.5 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलने की उम्मीद है। यमुना अथॉरिटी ने इन इंडस्ट्री को निर्माण करने से पहले प्लांट की रजिस्ट्री कराने के लिए लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 645 इंडस्ट्री के मालिकों ने अपने प्लॉट की लीज डीड भी करा ली है। इनमें सबसे ज्यादा लीज डीड कराने वालों में सेक्टर 32 के 564 प्लॉट के उद्यमी हैं। यमुना अथॉरिटी अपने अधिसूचित एरिया में इंडस्ट्री के फिलहाल 6 इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित कर रही है। इनमें सेक्टर 24, 24A, 29, 32, 33 और 28 शामिल हैं। इन इंडस्ट्रियल सेक्टरों में अथॉरिटी देशी विदेशी कंपनी लगाने वाले उद्यमियों के प्लांट अलॉट कर रही है। यमुना अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2023 तक यमुना अथॉरिटी इंडस्ट्री लगाने के लिए 6 सेक्टरों में अलग अलग साइज के 2925 प्लॉट अलॉट कर चुकी है। यमुना अथॉरिटी सेक्टर 29 में 44 प्लॉट की लीज डीड कर चुकी है। इसी तरह सेक्टर 33 में भी 29 प्लॉट की लीज डीड करा चुकी है। अब प्लॉट के मालिक जल्दी निर्माण कार्य शुरू करेंगे। कंपनी चालू होने के बाद अगले 6 महीने में इन कंपनियों में करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जेवर से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर है कि पोर्ट टैक्सी से जुड़ी हुई। यमुना अथॉरिटी से अच्छी खबर है कि पोर्ट टैक्सी के रूट को बड़ा किया जाएगा। पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पोर्ट टैक्सी संचालित की जानी थी, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट से परी चौक तक पोर्ट टैक्सी चलेगी। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है। इस बारे में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जानकारी दी है। इसके लिए पहले से ही ग्लोबल टेंडर यमुना विकास प्राधिकरण जारी कर चुका है। कोई भी कंपनी 10 अगस्त तक पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आवेदन कर सकती है। उसके बाद 16 अगस्त को बिड खोली जाएगी। देश विदेश की कंपनियां योगी आदित्यनाथ के इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रही हैं। जो कंपनियां पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं, उन कंपनियों के लिए आवेदन 1 जुलाई से खुले हुए हैं। अभी तक पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को बनने के लिए 11 कंपनियों ने आवेदन किया है, जिनमें PRT UK, L&T, सिस्टा फ्रांस, अल्ट्रा PRT, सीमेंस, टाटा, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरमिन ट्रांसपोर्टेशन, हुंडई, कल्पत्रू और इन्वेस्ट इंडिया कंपनी शामिल हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक अगर पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट बनता तो इसकी लागत करीब 641 करोड़ रुपए आती, लेकिन अब रूट की लंबाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से लागत भी बढ़ जाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने यमुना प्राधिकरण से कहा है कि पूरी रिपोर्ट बनाकर लखनऊ भेजी जाए, जिस पर अब काम किया जाएगा। पहले रूट की लंबाई 14.6 किलोमीटर थी, लेकिन अब बढ़ गई है।